अपनी सिस्टर की मौत का बदला लेने के लिए वो उसके साइकोलॉजिस्ट की वाइफ और उसकी बेटी के साथ अफेयर करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है एवरी ब्रेथ यू टेक, जिसे डायरेक्ट किया है वॉन स्टीन ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.3 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ग्रेस अपने बेटे के साथ जा रही है। अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में उसने अपने बेटे को खो दिया। इसके बाद मूवी में कुछ टाइम गुजर चुका है लेकिन फिर भी ग्रेस अपने बेटे की मौत को भुला नहीं पाई है। उसके हस्बैंड का नाम फिलिप है जो एक साइकोलॉजिस्ट है। वो भी अपने बेटे की मौत के बाद ग्रेस से अच्छे से बात नहीं करता। एक्चुअल में ग्रेस उसकी सेकेंड वाइफ है। उसकी फर्स्ट वाइफ से उसे एक बेटी है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी को भी अभी अभी अपने स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने स्कूल में नशे किए थे। फिलिप उस पर बहुत गुस्सा था लेकिन ग्रेस लूसी को बचा लेती है। इनकी फैमिली में आजकल ये एक दूसरे से बात नहीं करते। फिलिप की एक पेशेंट थी जिसका नाम डैफनी था। डैफनी की रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूजिव थी। उनके बीच में झगड़े होते थे जिसके चलते उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारा करता था। जब से वो फिलिप की पेशेंट बनी उसके बाद से उसने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और उसकी लाइफ अब ट्रैक पर आ रही थी। इसका पूरा क्रेडिट वो फिलिप को देती है। फिलिप आजकल बहुत डिस्टिंग्विश रहता है इसलिए ग्रेस उससे बात करती है। वो कहती है क्यों ना हम कहीं वैकेशन पर चलते हैं। अपने रिलेशनशिप को फिर से सुधारना चाहती थी लेकिन फिलिप इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। ग्रेस फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिलिप की एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर वो अपनी पेशेंट डैफनी के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है जब वो मेरी पेशेंट बनी तब वो मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी। इसके बाद मैंने उसे अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताना स्टार्ट कर दिया। ऐसी पर्सनल चीज़ें जो मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था। इसके बाद उसे लगा हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से उसने अपनी सारी तकलीफ मुझे बताना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हुई। 3 मंथ में ही उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी। अपनी लाइफ के बारे में वो एक बुक भी लिख रही है। इस कॉन्फ्रेंस में फिलिप की फ्रेंड और बॉस बेनेशा भी यहीं थी। बेनेशा फिलिप से कहती है तुमने ये जो नई टेक्निक यूज की है ये शायद गलत भी हो सकती है, इसे लेकर केयरफुल रहना चाहिए। कार से घर आते टाइम फिलिप को डैफनी का कॉल आया। वो बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी। फिलिप को पता था डैफनी को सुसाइडल थॉट आते हैं। उसने कहा कल आकर मुझसे बात करना, अगर तुम चाहो तो अब भी हम बात कर सकते हैं। डैफनी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसी अब नहीं रही। रात में जब फिलिप अपने फ्रेंड के साथ था तब उसके घर पर पुलिस आती है। डैफनी ने बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लिया था। फिलिप को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अचानक से इस क्राइम सीन पर डैफनी का ब्रदर जेम्स पहुंच जाता है। वो भी डिस्टर्ब हो गया। उसका गुस्सा शांत होने पर फिलिप उसके पास जाता है। अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस कराया। जेम्स कहता है हमारी फैमिली के साथ इस तरह से बहुत बुरी चीजें होती हैं, जैसे कोई श्राप हो। अब इस सिचुएशन में हम दोनों स्ट्रेंजर एक साथ हैं। ये बात कहने में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी। फिलिप फिगर आउट नहीं कर पाता कि डैफनी ने सुसाइड क्यों किया। आजकल तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। अगले दिन जेम्स फिलिप के घर पहुंच जाता है। वो कहता है तुम्हारी एक बुक डैफनी के पास थी, ये मैं वापस करने के लिए आया हूँ। जेम्स ने यहाँ पर ग्रेस से भी बात की। वो डैफनी का हाउस सेल करने वाला था और ग्रेस एक रियल एस्टेट एजेंट है। ग्रेस ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया। ये अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। जेम्स ने अपने बारे में बताते हुए कहा मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, ऑलरेडी एक बुक उसकी पब्लिश्ड है। फिलिप की बेटी लूसी उसे देखकर इम्प्रेस थी, उसे भी राइटर बनना था। जेम्स उसे बहुत अच्छा लगा था। और जाते हुए जेम्स फिलिप से कहता है तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है, कभी भी इसे हाथ से जाने मत देना। फिलिप को जेम्स बहुत ही अजीब लगता है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसने उसकी बुक को सर्च किया, वो ऑनलाइन नहीं मिल रही थी। तो उसका एक फ्रेंड जो पब्लिशर था उसके पास जाकर वो उसको डिमांड करता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी जब अपने न्यू स्कूल से घर आ रही थी तब वो एक लेक के पास आती है। वहाँ पर वो जेम्स से मिलती है। जेम्स उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, वो भी हाँ कहती है। जेम्स कहता है मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से अकेले लेक पर मिलोगी, मुझे लगा था तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। लूसी ने लास्ट स्कूल में जो भी किया था ये सब बातें उसने जेम्स को बताई। इस पर जेम्स बहुत हंसता है। इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। घर जाते टाइम जेम्स ने कहा हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। लूसी को भी वो अच्छा लगा था तो इसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आज फिलिप की बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो कहती है तुम्हारी ये कंप्लेंट है, ये एक अनजान कंप्लेंट थी,
किसी को लगता है कि अजीब टेक्निक की वजह से डैफनी ने सुसाइड कर लिया। अब उस पर इंक्वायरी होने वाली है। वैनेसा उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछती है। फिलिप इस पर गुस्सा हो गया था। वो कभी भी डैफनी हर्ट हो इस तरह से उसे ट्रीट नहीं कर सकता था। रात में घर आने पर फिलिप ग्रेस से कहता है, तुम जेम्स का हाउस अब सेल करने वाली हो, उसे सेल मत करना, उससे कोई भी रिलेशनशिप मत रखो। ग्रेस कहती है, उसे हाउस तो सेल करना ही था, तो मैं ही उसका सेल कर देती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अगले दिन वो जेम्स से मिलने के लिए जाती है। वो जेम्स के साथ जो भी हुआ इसके लिए सॉरी कहती है। जेम्स कहता है, मुझे पता है तुम सब कुछ समझ सकती हो, तुम्हारे बेटे के जाने के बाद तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन की हैं। ये सब सुनकर ग्रेस रोने लगती है। वो कहती है, एक्चुअल में हमने इसके बारे में कभी भी बात नहीं की, मैं और मेरा बेटा घर आ रहे थे, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था और अचानक से ये सब हो गया। जेम्स उसके पास आकर उसे सहारा देता है। ये मोमेंट एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद ही ग्रेस घर पर आती है। लूसी घर के बाहर जा रही थी तो फिलिप उसे क्वेश्चन पूछने लगता है, लेकिन लूसी इरिटेट होकर वहाँ से निकल गई। हम देखते हैं वो जेम्स के साथ ही थी। जेम्स उसे एक रिवर के पास बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आया था। लूसी को यह बहुत ही अच्छा लगा था। वो पूछती, मेरी फैमिली में तुम्हें कुछ अजीब लगता है? हम सब में हमेशा कुछ ना कुछ तो टेंशन होता है। मेरे ब्रदर के गुजर जाने के बाद फिलिप और ग्रेस मुझसे बहुत दूर चले गए। जेम्स कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम अपने फादर का अटेंशन पाने के चक्कर में जानबूझकर टेंशन में आ जाती हो। लूसी को लगता है जेम्स उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। ये दोनों करीब आकर एक दूसरे को किस करते हैं। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं, आज रात ग्रेस जेम्स के बारे में ही सोच रही थी। फिलिप ग्रेस के पास आता है और वो कहता है, प्लीज़ जेम्स का हाउस सेल मत करना। ग्रेस इस बात पर गुस्सा हो जाती है, वो उसकी बात नहीं मानती। अगले दिन फिर फिलिप जेम्स के पास ही पहुंच गया। वो कहता है, तुम मेरी वाइफ को अपने काम से हटा दो। जेम्स कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं अब ये हाउस सेल नहीं करने वाला था। जाने से पहले वो फिलिप से कहता है, कभी कभी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को ब्लेम उठाना पड़ता है, लोग आपको इस वजह से हट कर देते हैं। अब ये सारी बात सुनने के बाद फिलिप को लग रहा था उसकी कंप्लेंट करने वाला जेम्स ही था। इसके बारे में वैनेसा से बात करता है। वैनेसा कहती है, अगर जेम्स साइकोटिक है तो डायरेक्टली वो तुम पर घाव करता, इस तरह से अलग अलग तरीके से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं करता। फिलिप को अब तक इसके बारे में आइडिया नहीं था, जेम्स एग्जैक्टली वही कर रहा था। फिलिप की बेटी लूसी के साथ रिलेशनशिप रखकर वो उसे हर्ट कर सकता है। आज रात भी जेम्स और लूसी एक साथ पार्टी में गए। यहाँ पर फिलिप के फ्रेंड भी आ जाते हैं। लूसी उन्हें देखकर डर जाती है और जेम्स को लेकर बाहर चली गई। लूसी जेम्स से कहती है, हाउस सेल करने के बाद तुम क्या करोगे, शायद इस कंट्री से चले जाओगे। जेम्स कहता है, हाँ। लूसी कहती है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलना। जेम्स थोड़ा सोचकर हाँ कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप ने रियलाइज किया था ग्रेस उससे गुस्सा है। वो ग्रेस से कहता है, जिस वैकेशन के बारे में तुम बात कर रही थी वहाँ पर हम चल सकते हैं। ग्रेस कहती है, जब तुम्हारा सही मूड हो तब तुम मुझसे अच्छे से तरीके से बात कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। फिलिप को ग्रेस के साथ हमेशा अच्छी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। ग्रेस को लगता है सिर्फ जेम्स ही उसे समझ पाता है, तो अगले दिन वो उसके पास चली जाती है। फिलिप को भी ग्रेस पर शक हो रहा था तो उसने उसका पीछा किया। ग्रेस जब जेम्स के पास आती है वो कहती है, मैं कल के बारे में भूल नहीं पा रही। ये दोनों करीब आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें फिलिप देख रहा था। घर आने के बाद ग्रेस को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी लगता है। फिलिप की बॉस वैनेसा उसे फिर से बुलाती है। वो कहती है, तुम्हारे खिलाफ अब एक्शन होने वाला है, अगर बोर्ड को लगा तुम गिल्टी हो तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है। डैफनी की डेथ के बाद फिलिप के पास कोई भी पेशेंट नहीं आ रहा था। आज रात लूसी और जेम्स फिर से मिलते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ जाएंगे। जेम्स जब बियर लेने के लिए गया तब उसके मोबाइल पर ग्रेस का कॉल आता है। ये लूसी ने देख लिया। उसे लगता है इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जेम्स उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं हाउस सेल करने वाला था, इसी वजह से ग्रेस ने मुझे अब कॉन्टेक्ट किया है। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, अब घर जाओ और अपनी बैग पैक करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। लूसी भी जेम्स की सारी बातें मान लेती है। ग्रेस ने जो भी किया इस वजह से वो पूरे दिन डिस्टर्ब थी। रात में वो फिलिप से बात करती है। वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिलिप कहता है, कुछ भी मत कहो, हमारी बेटी की डेथ के बाद मुझे अपने आप को संभालना था, सारी चीज़ों के लिए मैंने तुम्हें ही ब्लेम किया, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे इस तरह से तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, आज जो भी हुआ ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से तुम जेम्स के पास गई थी। फिलिप ने ग्रेस को ऑलरेडी माफ़ कर दिया था। इन दोनों ने अपनी गलती रियलाइज करके एक दूसरे को माफ़ कर दिया। लूसी अब जाने के लिए रेडी थी, लेकिन जेम्स रात में उसे लेने के लिए नहीं आया। वो उसे बहुत बार कॉल करती है। वो इन सब बातों से बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी।
इसके बाद हम देखते हैं आज टाउन में ज्यादा टाइम ग्रेस की गाड़ी बंद हो जाती है। जेम्स वहां से गुजर रहा था तो वो उसे लिफ्ट देता है। ग्रेस के घर का टर्न आता है लेकिन जेम्स आगे निकल गया। ग्रेस उससे पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जेम्स उसे हर्ट कर सकता था। तभी ग्रेस को फिलिप का कॉल आता है। ये कॉल ऑन रखकर ग्रेस जेम्स से कहती है, प्लीज मुझे गाड़ी से नीचे उतार दो। फिलिप ने फिगर आउट किया और वो जेम्स से बात करता है। जेम्स कहता है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। अपनी लोकेशन उसने फिलिप को बता दी। फिलिप भी जल्दी से वहां पर पहुंच गया लेकिन तभी जेम्स गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जेम्स ने ग्रेस को बेहोश कर दिया था। वो देखता है आगे से गाड़ी आने वाली है। वो इस गाड़ी से टकराकर ग्रेस और अपने आप को मार देने वाला था लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर उसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। फिलिप जल्दी से ग्रेस को गाड़ी से बाहर निकालता है लेकिन जेम्स वहां से भाग जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में फिलिप ने पुलिस से बात की लेकिन जेम्स ने कुछ भी इनलीगल नहीं किया। उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था कि एक्चुअल में उसने ऐसा कुछ भी किया है, तो इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। ये सब डेंजर में थे तो फिलिप लूसी के पास गया। वो उससे कहता है, प्लीज कहीं भी बाहर मत जाना। ग्रेस ने भी लूसी को समझाने की कोशिश की कि जेम्स बहुत ही खतरनाक है, उससे कोई भी रिलेशन मत रखना। वो इन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इनसे वो कुछ भी बात नहीं करना चाहती। फिलिप ने लूसी को भी इग्नोर किया था, इस बात का उसे बहुत ही बुरा लगता है। ग्रेस उसे सहारा देती है, वो कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी तुम्हें समझ लेगी। फिलिप ने कहा, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इस प्यार को आपको जताना चाहिए वरना बहुत ही लेट हो जाता है। अगले सीन में फिलिप को कॉल आया जो एक मेंटल हॉस्पिटल से था। जेम्स ने खुद को एडमिट कर दिया था और वो सिर्फ फिलिप से ही बात करना चाहता था। फिलिप जेम्स के पास पहुंचा, तब जेम्स कहता है, मुझे कन्फेस करना है, मुझे लगता है डैफनी का मर्डर हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने ये सब किया होगा। डैफनी जो बुक लिख रही थी, तुम अपने बारे में जो भी चीज़ें उसे बताते थे, ये सारी चीज़ें उसने बुक में लिखी हुई थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी के करीब आ गया था। फिलिप उस पर बहुत गुस्सा हुआ। जेम्स जाते जाते कहते हैं, मेरे दिमाग में मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो पूरी तरह से पागल था। रात में फिलिप के घर पर फिर से जेम्स का कॉल आया। वो कहता है, मुझे लगता है अब मैं ठीक हो चुका हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में वो आवाज़ें मुझे आ रही हैं। वो कहती है, मुझे तुम्हें हर्ट करना है। जेम्स मेंटल हॉस्पिटल में ही था और वो वहाँ से नहीं निकल सकता था। फिलिप इन सारी बातों को पीछे छोड़ना चाहता था तो एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर आया। ये उसका वही पब्लिशर फ्रेंड था जिससे उसने जेम्स की बुक की कॉपी मांगी थी। अब उसके फ्रेंड ने कॉपी उसे दे दी। इसके पीछे जब फिलिप ने देखा तो यहाँ किसी और का ही फोटो था। फिलिप समझ गया, जेम्स डैफनी का ब्रदर नहीं था, वो एक्चुअल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। ब्रदर का नाटक करते हुए वो यहाँ पर आया था। डैफनी ने अपने बुक में सब कुछ लिखा था, उसको जेम्स ने पढ़ा और उसे लगा फिलिप की वजह से ही डैफनी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। जेम्स चाहता था डैफनी फिर से उसके पास वापस आ जाए, इस वजह से डैफनी के फ्रेंड को भी उसने मार दिया, लेकिन फिर भी डैफनी उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं थी। फाइनली गुस्से में उसने डैफनी को भी मार डाला। अब सारी चीज़ों के लिए वो फिलिप को ही दोषी मानता था, इसी वजह से वो उसे हर्ट करना चाहता था। सब रियलाइज़ करने के बाद फिलिप जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करता है। वहाँ के डॉक्टर से वो कहता है, जेम्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उस पर आप कड़ी नज़र रखना। डॉक्टर जब जेम्स को देखने के लिए गया तब वहाँ के एम्प्लॉयर को मारकर जेम्स वहाँ से भाग गया था। वो जल्दी से लूसी को कॉल करता है। वो कहता है, कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। जेम्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका था, लूसी भी उसके प्यार में थी, तो जेम्स ने कहा, चलो जल्दी से हम यहाँ से निकल जाते हैं। लूसी भी उसके साथ आने के लिए रेडी थी। थोड़ी देर में वो रियलाइज करती है जेम्स बहुत ही अजीब लग रहा है। वो अपना माइंड चेंज कर लेती है लेकिन जेम्स वायलेंट होने लग गया, वो उसे मार रहा था। तभी फिलिप जेम्स पर हमला करके लूसी को बचा लेता है। जेम्स फिलिप पर भी भारी पड़ गया, वो फिलिप को गला घोटकर उसे मार ही डालता। तभी ग्रेस ने एक बड़ी सी चीज लेकर उसके सर पर मारी जिसकी वजह से जेम्स की डेथ हो गई। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।